हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी बुला सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होंगे और परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो अंकित भैया अपने डिमांड्स को पूरे करने के लिए पुलिस को, मतलब नकली पुलिस को लेके गए हैं समर को मार खिलवाने। और नकली पुलिस बिना किसी नेम प्लेट के आ गए हैं, समर को दे रहे हैं महा महा उपदेश और उपदेश के साथ साथ एक थप्पड़ भी जोड़ दिए। तो यहाँ समर को कैसा लग रहा है गुनगुन से रिश्ता जोड़ के? गुनगुन, अंकित, ये लोग तुम्हारे जीवन में रहेंगे तो तुमको तो ऐसे पुलिस से मार डंडे खाने ही पड़ेंगे समर जी। और दूसरी बात है अंकित, तुम भाई इतने अच्छे भाई हो, तुम्हारी बहन के बच्चे को इंसाफ मिले, समर उसको पैसे दे, उसको अपने साथ रखे, ये है तुम्हारी मांग ना, तुझको पूरी करवानी है। इसके लिए तुम गुनगुन के ससुराल तक उसको लेके जाने के लिए रेडी हो पुलिस को? तुमको शर्म नहीं आती है? वो उसका ससुराल है, ऐसे ही वो अपनी सास से बात सुन सुन के तंग आ जा रही है उसके कर्मों की वजह से। और यहाँ पे तुम पुलिस लेके जाओगे तो क्या उसकी सास क्या पूजा करेगी तुम्हारी? और तुम ध्रुव को जानते नहीं हो? ध्रुव अभी इतना माचो मैन बना हुआ है कि वो किसी को गुनगुन के सामने मक्खी की तरह भिनभिनाने नहीं दे रहा है। तो तुम कैसे तुम समर को बोलो कि तुम उसको ले आते जबरदस्ती? ध्रुव का उसका पहला हक है क्योंकि ध्रुव उसका पति है। तुम पुलिस को तो बड़े अच्छे से सीधा चौड़ा करके बोल दिए कि नहीं, एक पति, मतलब पति भी तुम नहीं बोले, एक जन है। ध्रुव के बारे में जब पूछा पुलिस ने, ध्रुव उसका कौन लगता है गुनगुन का, तुमने कहा एक जन है, शादी कभी हुई थी, मतलब अभी लगता है तुम्हारे हिसाब से डिवोर्स हो चुका है ना, इसे तुमने ऐसे करके बोला पुलिस को। मतलब तुम अपने ऊपर, तुमको तो कोई एक पर्सन का शर्म है नहीं, तुम यहाँ समर को मार खिलाते जा रहे हो। और समर को तो मार खाना भी चाहिए क्योंकि ये सारा चीज़ समर और समर की माँ के वजह से है। उसकी माँ को पकड़ के पुलिस को दो चार थप्पड़े लेडीज पुलिस से मरवाना चाहिए क्योंकि तुम दोनों ने, सिर्फ गुनगुन का ही नहीं राधिका का भी तुम लोगों ने जिंदगी खराब किया है। वो तुम लोग अगर चाहते तो गुनगुन को जबरदस्ती तुम लोग मायके से ससुराल में लाते और लाके जबरदस्ती तुम लोग रखते, पर नहीं, गुनगुन गई है तो बाहर में जाए, अब मेरा बेटा डिप्रेशन में है, अब राधिका को बहू बना लो। तो ये सब नौटंकी के चक्कर में फिर गुनगुन की फिर शादी हो गई ध्रुव से, अब ध्रुव के संग वो नहीं रहना चाहती है। बहुत अच्छे जा रहे हो सबके साथ, अब देखते हैं क्या होता है फ्रेंड्स। इन सब कितने नौटंकी में, हम लोग इनके नौटंकी को देख के एंटरटेन करें। देखते हैं अब गुनगुन के ससुराल पुलिस जाता है तो अब क्या नौटंकी होता है। तो जिसको मेरा से व्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।